I am Mahrukh Iftikhar Siddiqui, a clinical psychologist, and I've been working for the past 15 years and catering different fields of psychological illnesses. I'm working as a consultant at Hilalayam Hospital Psychosocial Center. I have also worked with the rape victims at War Against Rape. I have been working with and assessing, diagnosing, and giving consultation to children having multiple learning disabilities, autism, those who are suffering with other childhood disorders. I have also worked in, I am working at present with Sehat Kahani at the jail. And in jail we have assessed 50 inmates, women inmates, और उनकी हमने assessment की है और उसके बाद फिर हमने उनको counseling sessions provide किए हैं और different areas में काम करने के बाद मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि mental health जो है ना उस पे हम focus ही नहीं करते हैं. हमें जो चीज़ नज़र आती है वो सिर्फ फिजिकल एलिमेंट्स हैं और लोग भी उसको देखते हैं हमदर्दी की निगाह से और उसके इलाज के लिए जाते हैं और मेंटल हेल्थ जो है उसको इग्नोर कर देते हैं. दो वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि एक तो वो नज़र ही नहीं आती, मेंटल इश्यूज नज़र ही नहीं आते. बाज़ दफ़ा समझती नहीं है, हम लोग समझते नहीं हैं कि मेंटल इश्यूज हैं क्या. और तीसरी चीज़ ये है कि एक टैबू है, एक स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में कि वी डोंट टॉक अबाउट मेंटल इश्यूज. हमें लगता है कि अगर हम बात करेंगे तो लोग हमें समझेंगे कि हम पागल हैं. ऐसा है नहीं बिल्कुल भी. मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हर एक के साथ हो सकते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं. जो भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसको एहसास है, जो सोच सकता है, जो समझ सकता है, जो फील कर सकता है, जो एक्ट कर सकता है, जिसके अंदर सेंसेस हैं, डेफिनेटली उसके मूड स्विंग्स भी होंगे, उसमें उसके एपिसोड्स ऑफ सैडनेस भी आएगी उसकी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में अकेलेपन का भी एहसास होगा, उसको भूख भी कम या ज़्यादा लगेगी, उसके नींद के इश्यूज भी होंगे. तो ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल है. और मेरे ख्याल से जब ये चीज़ें बढ़ जाएं, सैडनेस बढ़ जाए, प्रोलोंग हो जाए, फीलिंग ऑफ डिसकम्फर्ट प्रोलोंग हो जाए, अकेलेपन का एहसास हमें बहुत ज़्यादा होने लगे और बहुत अरसे तक होने लगे, लो सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा होने लगे, हम हर एक से कमतर अपने आप को समझने लगे और सोशली हम विड्रॉल हो जाएं, और ये फेज जो है वो लंबा रहे, तो इट मीन्स कि वी नीड सम साइकोलॉजिकल हेल्प. प्लीज़ इस चीज़ से घबराएं नहीं, साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए जाएं, उठें और आवाज़ उठाएं इसके लिए. लोग सुनने के लिए तैयार हैं, आप बात करिए वहाँ जाके. बहुत हेल्प है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन सिर्फ एक पर्दा है जिसे हमें गिराना है. थैंक यू वेरी मच.